Okay, good evening and welcome to each one of you. We are truly delighted with your presence. It is a moment of extreme pleasure to welcome our guest speaker, Dr. Lata Ben Ningu, who is going to talk to us about the heartfulness meditation. तो ये जो हमारा वर्कशॉप है वो 3 दिन का है. इस 3 दिन में डॉक्टर लता मैम, जो कि एक होम्योपैथ एंड हार्टफुलनेस ट्रेनर है, वो हमें बताएंगे कि कैसे हम स्ट्रेस से बाहर निकल के अपने आप को खुश रख सकते हैं और अपने हार्ट की सुन सकते हैं. तो इसी बात पे मैं कुछ बताना चाहूँगी कि मन को तभी चैन मिलता है जब हृदय शांत हो. ज्ञान से अनुभव श्रेष्ठ होता है. जब हम दिल की सुनते हैं तो हमें चुनाव करने की एक विस्तृत मानसिक प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं होती है. हम हमेशा जानते हैं कि क्या सही है. एक समर्पित हृदय कृपा, खुशी, प्रसन्नता और हर्ष को आकर्षित करता है, जिसके फलस्वरूप संबंध बनते हैं. तो यही है कि हम अपने हृदय को खुश रख के अपने आप में एक इनर पीस महसूस कर सकते हैं. तो आज ये वर्कशॉप का फर्स्ट डे है. Hope this workshop enlighten us all and provide us with the approaches to deal with the problem of tomorrow. So now we are going to start our program with the short prayer. तो सभी को निवेदन है कि आप अपने फोन या जिस किसी साधन से आज के कार्यक्रम में जुड़े हैं, कृपया अपना माइक स्विच ऑफ रखें, जिससे कि प्रोग्राम के बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स, प्लीज कीप योर माइक म्यूट. Let's start with prayer. Ya kundendu tusharahara dhavala ya shubhra vastra arpita ya आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं डॉक्टर नेहल मैम शाह से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आप सभी को हमारे ऋतुजा चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में इंट्रोडक्शन दें. मैम, द फ्लोर इज योर्स. थैंक यू भूमि. तो आज नवरात्रि के इस फेस्टिवल के चलते मैं आप सभी का ऋतुजा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से हार्दिक इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ. और साथ ही हमारे जो आज के गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर लता जी, उनका भी तहे दिल से स्वागत करती हूँ. आशा रखते हैं कि आपको हमारे इस 3 दिन के वर्कशॉप में काफ़ी लाभ मिलेगा. और हमारी संस्था के बारे में कुछ एक छोटी सी चीज़ें आपको बताना चाहूँगी. हम लोग एक छोटा सा एनजीओ चलाते हैं जिसका नाम ऋतुजा है, जो लास्ट ईयर ही रजिस्टर किया गया है. और ये हमेशा विमेन वेलफेयर की ओर काम करता है. तो महिलाओं के लिए, इनके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए, इनके एजुकेशन, इनके स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम रखने का कार्य हम करते हैं. साथ में हम काफ़ी सारा रिसर्च भी महिलाओं के स्वास्थ्य और उनकी जो दिनचर्या में जो मुश्किलें आती हैं, सामाजिक तकलीफें, उनको लेके काफ़ी सारा रिसर्च भी हम करते हैं. तो ऐसे ही करके हमने ये कार्यक्रम रखा है, क्योंकि हमारा अनुभव है कि पैंडेमिक में हमने काफ़ी सारे रिलैक्सेशन सेशंस किए हैं
और उसमें काफ़ी लोगों को लाभ रहा है. तो एज एन सोशल आउटरीच प्रोग्राम वी हैव केप्ट दिस हार्टफुलनेस मेडिटेशन वर्कशॉप अ फ्री वर्कशॉप फॉर ऑल पीपल एंड फॉर एनी जेंडर. सो देर इज़ नो जेंडर बायस फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम्स. एंड ऋतुजा ऑफर्स अ प्लेटफॉर्म फॉर मेडिटेशन एंड गाइडेड रिलैक्सेशन फॉर एवरीबडी. तो एक आप लोगों को एक नया अनुभव रहे और कुछ नया जानने को मिले, उस हिसाब से इस बार हम हार्टफुलनेस मेडिटेशन लेके आए हैं. हम हार्टफुलनेस सेंटर का भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि वो हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी मदद से ये 3 दिन का वर्कशॉप हमने रखा है. कल भी यही टाइम से ये वर्कशॉप रहेगा और रविवार होने की वजह से ये वर्कशॉप का आखिरी और तीसरा दिन हम सुबह मिलेंगे 10:30 बजे. तो कृपया हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिएगा. काफ़ी लाभदायक प्रक्रिया है और इससे आपको काफ़ी मदद रहेगी. लता मैडम से हमने सीखा है सो हम जानते हैं वो काफ़ी अच्छी ट्रेनर हैं. भूमि, कैन यू चेंज द स्लाइड. हम रेगुलरली लास्ट 6 मंथ्स से रिलैक्सेशन चलाते आए हैं. 1 महीने के लिए हमने उसको होल्ड किया था फॉर आवर पार्टिसिपेंट्स टू प्रैक्टिस ऑन देयर ओन सो दैट एक डिपेंडेंसी ना बन जाए. उसको हम रीस्टार्ट कर रहे हैं रिलैक्स एट ऋतुजा सीजन 2 करके. और ये हम इस दशहरा से वापस शुरू कर रहे हैं. ये सिर्फ 30 मिनट्स का प्रोग्राम रहता है जिसमें गाइडेड रिलैक्सेशन आपको करवाया जाता है. ये वर्कशॉप भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है. ये हर फ्राइडे को एक रिविजन सेशन के हिसाब से कराया जाएगा. इसका टाइम रात्रि का 9:30 से 10 बजे का होगा. शेड्यूल काफ़ी सिंपल रहता है. एक छोटा सा प्रेयर और फिर 20 मिनट्स का गाइडेड रिलैक्सेशन करवाया जाता है सो दैट आपको ध्यान करने में ज़्यादा मदद हो जाए. तो ये एक हमारा ऑनगोइंग कार्यक्रम है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हमारे अपकमिंग प्रोग्राम्स में इस संडे, इस रविवार को 4 से 5 बजे हमारे साथ डॉक्टर फाल्गुनी जानी पौंडीचेरी से जुड़ेंगी ऑनलाइन और वो हमें डिप्रेशन को कैसे मैनेज करना है विदाउट मेडिसिन. सो ये क्लिनिकल डिप्रेशन साइकोसिस की बात नहीं है, पर जो न्यूरोसिस की वजह से डिप्रेशन होता है और हम डिप्रेशन के बारे में काफ़ी कुछ जानते भी नहीं हैं, तो उसकी बेसिक चर्चा की जाएगी, उसको कैसे मैनेज करेंगे उसके बारे में बताया जाएगा. और कुछ सेल्फ हेल्प किट तैयार की गई हैं यहाँ लाइफ की तरफ से, तो वो सेल्फ हेल्प किट आपको बताई जाएगी. अगर आपको उसमें इंटरेस्ट आए तो आप इस कार्यक्रम में भी भाग ले सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, सो भूमि, दैट थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट एंड प्लीज कंटिन्यू फर्दर. Okay, ma'am. Thank you, ma'am, for giving this information about the trust. Once again, I very warm welcome to our speaker, Dr. Lata Ben Ningu. It's a great pleasure for me to introduce our speaker today on behalf of Ruthuja. First of all, I would like to introduce about Dr. Lata Ben Ningu. Then we continue the program. Dr. Lata Ma'am Ningu, practicing homeopath at Surat for more than 18 years, she is a visiting faculty at C.N. Kothari Homeopathic College at Vyara for more than 11 years. She has been a part of Heartfulness since 2008 and has conducted many workshops for varied audiences from faculties of colleges, school teachers, doctors, students of schools and universities, and to citizens. And she is a learner by heart and loves traveling to nature places. सो दिस इज़ ऑल अबाउट डॉक्टर लता मैम. तो अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर लता मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्रोग्राम को कंटिन्यू करें. डॉक्टर लता मैम, द फ्लोर इज योर्स. थैंक यू सो मच भूमि. कैन यू हियर मी? यस मैम. भूमि, जस्ट स्टॉप शेयरिंग द स्लाइड. यस मैम. इज माय वॉइस क्लियर कि थोड़ा डिस्टर्बेंस है? नहीं नहीं, डिस्टर्बेंस नहीं है. ठीक है, बिल्कुल क्लियर. मैं योर फोन में हूँ ना, तो नहीं सुनाई दे रहा है. सुनाई दे. ऑलराइट. आई एम सो थैंकफुल टू नेहल मैम
for inviting me to give information and make you experience heartfulness, relaxation and meditation. एंड स्टार्टिंग में जो भूमि ने जो बहुत बढ़िया बातें मेंटल हेल्थ के बारे में बताई, बहुत अच्छा लगा, बहुत क्रिस्प एंड टू द पॉइंट था कि हमें क्यों ज़रूरत है, एक मेंटल वेलबींग की ज़रूरत क्यों है हमें. तो इसी के साथ मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ नेहल मैम को फॉर इन्वाइटिंग मी into this into the program. और ये सुन के भी बहुत अच्छा लगा कि ऋतुजा NGO एक बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, not only for women but for actually for inner peace, you know, educating for the wisdom and for the heart and for the brain, I would say, and for the physical well-being. तो ओवरऑल एक होलिस्टिक क्या कहते हैं, एक होलिस्टिक हेल्प के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ऋतुजा में, नेहल मैम. एंड आई हैव नोन हर सिंस फ्यू इयर्स और मुझे पता है वो कितने डेडिकेटेड हैं और कितने वर्कहॉलिक हैं और अपने काम को लेके कितने सिंसियर हैं. बहुत इंस्पिरेशनल हैं नेहल मैम हम सभी के लिए. So thank you very much and let me share today with you about heartfulness. मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में 2008 से हूँ और मैंने खुद में इतने सारे अनगिनत कहूँगी मैं, इतने सारे अनगिनत ट्रांसफॉर्मेशन पाए हैं. सो वो कैसे आया उस प्रैक्टिस के बारे में मैं आपको आज बताऊँगी और एक्सपीरियंस कराऊँगी. तो ये जो है हार्टफुलनेस, आई विल जस्ट शेयर माई स्क्रीन. मुझे ज़रा बताना कि आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है? हाँ मैडम, शुरू हुआ है. हाँ, फर्स्ट स्क्रीन, फर्स्ट स्लाइड दिख रही है ना अभी? हाँ दिख रही है. या ओके, अब मैं ये चाहती हूँ कि ये फुल स्क्रीन हो. लेट मी सी, होता है कि क्या, आई एम नॉट श्योर. नीचे से होगा, नीचे से होगा. हाँ राइट. अगर ये इज इट हुआ, बट लाइक वी कांट सी द फुल स्क्रीन, हम तो अभी भी वही देख रहे हैं अभी. नहीं, इट इज द सेम, नो प्रॉब्लम, बट दिस इज इनफ विजिबल. इनफ विजिबल. सिर्फ दर्शकों को, मैंने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें मैं बता दूं, अगर आपको स्लाइड नहीं दिख रही है तो आपको लता मैडम को पीपल में जाके, there will be two title, लता मैम के नाम से दो आपको वर्ड्स दिखेंगे, उसमें लता निंगू प्रेजेंटेशन है, उसको आप पिन कर दीजिए, वहां दबाएंगे तो आपको प्रेजेंटेशन दिखेगा. तो आई होप सबको वो दिख रहा है. अगर किसी को दिक्कत है तो प्लीज आप अनम्यूट करके बता सकते हैं या चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं. सो आई थिंक एवरीबडी इज एबल टू सी मैम, नो प्रॉब्लम. या अगर आपको कुछ भी कहीं पे भी डिफिकल्टी होती है, क्योंकि मैं तो अपने प्रेजेंटेशन में बोलती रहूंगी, आप अपने आप को अनम्यूट करके प्लीज मुझे भले इंटरप्ट कर देना, बिकॉज मुझे पता ही नहीं चलेगा आप लोग हो कि नहीं हो या क्या हो रहा है, है ना. तो अगर कहीं पे दिक्कत होती है तो प्लीज अनम्यूट करके आप मुझे मैसेज छोड़ देना, जो आप लोग, या मेरा आवाज नहीं आ रहा है या प्रेजेंटेशन दिख नहीं रहा है या वीडियो नहीं दिख रहा है. हाँ तो शुरू करते हैं. I'm thankful to Ruthuja Charitable Trust and on the eve of World Mental Health Day, which is going to come on 10th of October. This is where we are going to discuss how heartfulness through meditation brings wellness. Wellness, mental, physical, spiritual, in a holistic way. And so we go forward. This year WHO ने जो स्लोगन दिया है वो है मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल, लेट्स मेक इट अ रियालिटी. रियालिटी करनी है मतलब हमें एक दूसरे को हेल्प करते जाना है. ये फोटो में आपको दिखेगा कि कैसे एक साइकिल, एक चेन बन रही है. एक हार्ट दिख रहा है, एक ने अपना हार्ट दूसरे को दिया, तो कैसे हेल्प. मैडम आपका स्लाइड मूव नहीं हो रहा है. नहीं हुआ, नहीं सेकेंड, अब वी आर ऑन द फर्स्ट स्लाइड ओनली. Ah, oh, is it?
एक मिनट, अभी तो मैं थर्ड पे गई। अच्छा एक सेकंड, मैं एस्केप कर लेती हूँ अभी। हाँ अब दिख रहा है। हाँ जी ठीक ठीक तो अब ये स्लोगन दिख रहा है। हाँ, स्लोगन दिख रहा है। तो ये कि अगर आप ये देखोगे, ये जो इस बार का WHO का है कि हाथ दिख रहे हैं, हार्ट दिख रहा है, कि कैसे हेल्प एक दूसरे को केयरिंग करते करते हम एक दूसरे को सहारा देते जा रहे हैं, राइट। और इसको हमें रियलिटी कैसे बनाएंगे, जब हम एक दूसरे को सहारा देंगे एक किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से हम एक दूसरे को जस्ट किसी को सुनना, किसी को सुनना एक कितना बड़ा सपोर्ट हो सकता है आजकल के लाइफ में। किसी के पास टाइम नहीं है एक दूसरे के लिए, घर पे हमको अपने फैमिली मेंबर्स के लिए टाइम नहीं होता है, तो बाहर वालों के लिए तो क्या कहना। यानी अपने कोई फ्रेंड है, अपना कोई नेबर है, कोई स्ट्रेस में है, कोई एंजाइटी में है, कोई हमारे साथ बातचीत करना चाहता है कि प्लीज़ अपना टाइम दो ना, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, तो क्या हम अवेलेबल हैं, क्या हम अपने प्रियजनों के लिए अवेलेबल हैं। तो यही है कि हमें इस चीज़ को रियलिटी बनानी है, मेंटल हेल्थ केयर को पूरा पूरा हमें क्या कहते हैं, पूरा पूरा हमें इसके बारे में केयर देनी होगी और इसको नेगलेक्ट नहीं करना होगा। और खुद के मेंटल हेल्थ पे पहले, जैसे है ना एयरक्राफ्ट में जब हम जाते हैं ना एरोप्लेन में, तब पहले कहा जाता है इंस्ट्रक्शन में कि पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहनो, फिर दूसरे को दो, फिर क्योंकि तुम बचोगे तब तुम दूसरे को बचा पाओगे। तो मेंटल हेल्थ में ऐसा है कि हमें खुद की मेंटल हेल्थ को पहले पहले हम खुद के लिए काम करें, उसको हेल्दी रखें, उसको पोषण दें, उसके अच्छे थॉट्स में रखें, अच्छे वाइब्रेशंस में रखें, अच्छी कंपनी में रखें, और फिर मैं किसी और को हेल्प कर पाऊंगी। जब मैं खुद स्ट्रेंथ होंगी, स्ट्रांग रहूंगी, मैं दूसरे को हेल्प कर पाऊंगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब डिप्रेशन, सुइसाइड रेट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं और करीबन हर 100 अगर डेथ देखते हैं कि उसमें से एक डेथ होती है सुइसाइड की। तो इतने हद तक अभी जैसे पैंडमिक गया है, तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हमको ये पीरियड रहा, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच पाए, ऑनलाइन पहुँच पाए, गूगल पे, जूम पे, व्हाट्सएप पे। हमने हमारे जो ट्रेनर्स हैं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड उन्होंने सेशंस करे हैं। एक दिन में 4 स्लॉट्स चलते हैं, अभी भी चलते हैं, 4 स्लॉट्स चलते हैं, ग्लोबली चलते हैं, वर्ल्ड ओवर में। और जिनको भी हेल्प की ज़रूरत होती है वो हमारे साथ लॉग इन करता है, हम उसको ये समझाते हैं हार्टफुलनेस के बारे में, और वो सिटिंग होती हैं। तो इसको हम कैसे शुरू कर सकते हैं, और मैं अपने आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी कहना चाहूँगी। तो आगे बढ़ते हैं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन है हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट। हार्टफुलनेस इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और ये ग्लोबली प्रेजेंट है, 160 कंट्रीज से ज़्यादा में हम लोग हैं। अब तो यहाँ पे 4 मिलियन आपको दिख रहा है, पर अभी मिलियंस ऑफ प्रैक्टिशनर्स हैं इस ऑनलाइन, जो जब से ये ऑनलाइन हुआ 1.5 साल से ऊपर से, तब से इसकी अनगिनत लोगों के पास रीच हुई है। जैसे मैंने कहा वेबिनार्स के थ्रू बहुत सारे वेबिनार्स हुए स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, फैकल्टी के लिए, सिटीजन्स के लिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कॉरपोरेट के लिए। हमने सभी ने इस पैंडमिक में, हम सभी इसमें क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं हम सभी को इसने इफेक्ट किया, बहुत इफेक्ट किया। एंड ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसका, जिसके रिलेटिव्स में या किसके नेबर में उसने किसी अपने लव्ड वन को खोया ना। तो कैसे अपने आप को इसमें, और ये भी इंडिया में इतना सारा पॉपुलेशन, कैसे हम अपने आप को बचा पाएं। जब मैं मेंटली खूब क्या स्ट्रांग रहूँगी, तभी मेरा ऑरा, मेरा वाइब्रेशन स्ट्रांग रहेगा, तभी मेरी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, और तभी मैं अपने आप को बचा पाऊँगी सभी नेगेटिविटी से, नॉट ओनली थॉट बट इवन जर्म्स। जब मेरी इम्यूनिटी डाउन होगी तभी तो वो जर्म मेरे बॉडी को पकड़ेगा। यदि मैं पूरी तरीके से मेंटल फिजिकल हेल्थ पूरी तरीके से अच्छा होगा तो मेरे पास आएगा ही क्यों, राइट। तो हार्टफुलनेस की रीच अनगिनत कॉरपोरेट्स में है,
हमने, जैसे मैंने कहा, कॉर्पोरेट्स में, कम्युनिटीज में, कॉलेजेस में, गवर्नमेंट ऑफिसेस में, मेडिकल हॉस्पिटल्स में, स्टूडेंट्स, मेडिकल एमबीबीएस स्टूडेंट्स, फैकल्टी, विलेजेस, पुलिस में, आर्म फोर्सेस में, सभी जगह हमारी रीच हुई। और अब मैं एक सेकेंड आपको हमारे जो हेडक्वार्टर्स हैं कान्हा शांतिवनम उसके बारे में, उसको एक ग्लिम्स आपको मैं दिखाना चाहूँगी। मैं अभी एक वीडियो शुरू कर रही हूँ, तो 1 मिनट, ये मुझे है ना फुल स्क्रीन करना पड़ेगा। मैडम, हाँ मैम, वीडियो चालू हुआ? नहीं नहीं दिख नहीं रहा है। एक मिनट, हाँ अब मैं चालू कर रही हूँ। चालू हुआ? नहीं, पर इट इज नॉट विजिबल, ओनली योर स्लाइड्स आर विजिबल। यू कैन डू वन थिंग, यू कैन शेयर दिस लिंक टू अस एंड आई विल शेयर इट इन द ग्रुप। हाँ दैट इज बेस्ट, या दैट वी कैन डू समहाउ, आई डोंट नो, वन सेकेंड। कोई नहीं, 1 मिनट। आप उसको चालू करके मैडम विंडो चेंज करो तो शायद दिख जाएगा। अच्छा, अभी मैं विंडो चेंज किया, आपको दिख रहा है क्या? नहीं, अभी भी वो दिख रहा है, पीपीटी दिख रहा है, सिर्फ पीपीटी दिख रहा है। ओके, कोई नहीं, मैं, यू कैन शेयर द लिंक टू मी एंड यू आर देयर इन द ग्रुप, सो यू योरसेल्फ कैन आल्सो शेयर इट। फाइन फाइन, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम प्रैक्टिस के बारे में समझेंगे और ये समझेंगे कि इनर पीस कितनी इम्पोर्टेंट है। इस पैंडमिक ने हमको बहुत सिखाया, अतिशय खूब सारा सिखाया, कि कैसे हम अपने आप के साथ कैसे, क्या कहेंगे, इस सिचुएशन को कैसे एक्सेप्ट करें कि ये भी सिचुएशन है, इसको भी हमें पार करना है, इसको भी फेस करना है, और क्यों ना इसको फेस करें एकदम रेजिलिएंट होके। तो इसको हम कैसे पाएं, ये रेजिलियंसी, ये इनर पीस, ये इनर स्ट्रेंथ, ये करेज, और वो बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड, कि कैसे मैं इस सिचुएशन को डील करूं एंक्शियस ना होके और स्ट्रेसफुल ना होके। तो ये हार्टफुलनेस हमें सिखाता है। तो आज मैं आपको हमारे जो 3 दिन का सत्र है, आज पहले दिन में हम सीखेंगे हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन और हार्टफुलनेस मेडिटेशन। तो हार्टफुलनेस क्या है? हार्टफुलनेस एक जीवन शैली है, एक जीवन जीने की शैली है। इट इज़ अ वे हाउ वी लिव अवर लाइफस्टाइल एंड इट इज़ अ वेरी सिंपल एंड इफेक्टिव वे, जहाँ पे हम रिलैक्सेशन मेडिटेशन से हम अपने माइंड को रेगुलेट करते हैं। और उनकी जो दूसरी प्रैक्टिस है वो है रिजुविनेशन एंड कनेक्शन विद द हायर सेल्फ। तो मेन कोर 4 प्रैक्टिसेस हैं और ये, जैसे मैंने कहा, ग्लोबली 160 कंट्रीज में है। तो इसमें हर एक कंट्री के जो हैं कास्ट, क्रीड, रिलीजन से ऊपर जाके एक आध्यात्मिक अनुभव के लिए है ये, फॉर ऑल ह्यूमैनिटी, फॉर एवरीवन टू एक्सपीरियंस। एंड इट इज़ समथिंग विच हम अपने हार्ट की इंस्पिरेशन को सुनते हैं, हम अपने हार्ट के कॉल, हृदय अपने आप से, अपने से बात करता है, लेकिन हम उसके इंडिकेशंस लेते नहीं हैं, हम उसको सुनते नहीं हैं, तो बोलना बंद कर देता है। तो कैसे हम उसको वापस जागृत करें और उसकी आवाज़ को सुनते रहें? वो कब सुनेंगे? जब हम खुद शांत होंगे, तब, जब मैं पॉज लूँगी इस हड़बड़ी वाली ज़िंदगी में, मैंने एक पॉज लिया अपने आप के लिए, फॉर माय ओन सेल्फ। जैसे मैंने कहा, पहले ऑक्सीजन मुझे पहले खुद को करना पड़ेगा, फिर इंडिविजुअल पीस विल ब्रिंग वर्ल्ड पीस।
हम मैं वर्ल्ड पीस के बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन मैं खुद ही पीस में नहीं हूँ। मैं ही चिल्लाती रहती हूँ और घबराती रहती हूँ, एंशियस होती रहती हूँ, या मैं इरिटेट होती रहती हूँ। मैं खुद में ही वो नहीं हूँ, तो मैं क्या वर्ल्ड पीस ले आऊँगी? पर मैं जब यदि रेगुलेटेड बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में रहूँगी, जब ऐसी कोई हड़बड़ी वाली सिचुएशन आई, मैंने उसको पॉइस के साथ उसको फेस किया, वो चीज़ दूसरे भी अनुभव करेंगे और फिर वो साइकिल बनती जाएगी, वो चेन बनता जाएगा। तो मैं क्या करूं कि ये मुझ में डेवलप हो? तो आज उस टूल्स के बारे में इन 3 दिनों में हम वो आपको अनुभव भी कराएंगे और उसका इंफॉर्मेशन भी देंगे। तो मॉडर्न टाइम के लिए हार्टफुलनेस प्रोग्राम जो है, जो प्रैक्टिस है, वो खूब ही क्या कहेंगे बेनिफिशियल है। और हमें कितना मिनिमम टाइम हमें चाहिए इस 50 मिनट्स, 20 मिनट्स मेडिटेशन इन द मॉर्निंग, 20 मिनट्स जो हम कल सीखेंगे रिजुविनेशन इन द इवनिंग, एंड 10 मिनट्स रिकनेक्शन विद द हायर सेल्फ, 10 मिनट्स। तो मिनिमम आप खुद के लिए 50 मिनट इन ब्रेक ऑफ 3, 20 मिनट्स मॉर्निंग, 20 मिनट्स इवनिंग एंड 10 मिनट्स एट नाइट, इतना अपने आप के लिए देना है। मैंने पूरे दिन में, पूरे दिन में कि इफ समबडी इज हैविंग दिस थिंग के भाई मैं 1 घंटा नहीं निकाल सकता, तो इट इज नॉट टोटल टाइम, इट्स द टोटल टाइम आउट ऑफ 24 आवर्स। यस राइट, आउट ऑफ 24 आवर्स 50 मिनट, वो भी इन डिविजन ऑफ 20 20 20 प्लस 20 प्लस 10, इतना मिनिमम देना है। ओके करेंगे क्या? सुबह में हम ध्यान सुबह में करते हैं, जब भी आप फ्री हो तब। ऐसे नहीं कि आपको अपनी नींद बिगाड़ के करना है। स्टार्टिंग में हमें करना है जब जब आई एम टोटली फ्री एंड रिलैक्स। जैसे कि एक हाउसवाइफ है, उसको पहले तो अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को पहले तो सब बना के भेजना है, स्कूल भेजना है, ऑफिस भेजना है, फिर वो थोड़ा सा फ्री हो जाती है तो तभी वो बैठ जाए। ठीक है, ऑफिस में जाते हैं, जेंट्स जाते हैं तो ऑफिस में जाने से पहले थोड़ा सा अपने टाइम को शेड्यूल कर दे, कहाँ देर में 20 मिनट निकाल सकता हूँ, न्यूज़पेपर को ना पढ़ के शायद मेरे पास आराम से 20 मिनट निकल सकते हैं। यदि मैंने न्यूज़पेपर को नहीं टच किया, यदि मैंने व्हाट्सएप को नहीं देखा, 20 मिनट हम अपने आप की जीवन शैली में निकाल सकते हैं। तो 20 मिनट में क्या करना है? हार्टफुलनेस प्रैक्टिस में, रिलैक्सेशन में, मेडिटेशन में क्या करते हैं? रिलैक्सेशन क्यों किया जाता है? व्हाट इज हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन? ये हमने लिया है पतंजलि योग सूत्र में से ही लिया गया है हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन। ये पैरों की उंगलियों से लेके शरीर के ऊपरी भाग पे हम इंस्ट्रक्शंस खुद को देते हैं। एक बार आप सीख जाएंगे, आज मैं आपको कराऊंगी, और इसके मैं यूट्यूब ये भी भेज दूंगी, क्लिपिंग्स भी भेज दूंगी, तो ये आप खुद के ऊपर कर सकते हैं, दूसरों के ऊपर करा सकते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे घरों में छोटे छोटे बच्चे जो हैं 5 साल के 4 साल का, वो अपने दादी को अपने मम्मा पापा को कराते हैं। तो बहुत ही सरल सिंपल है, क्योंकि जब तक फिजिकली मेरा बॉडी रिलैक्स नहीं होगा तो मैं अंदर कैसे जाऊंगी? यदि मैं फिजिट करती रहूंगी, मैं अपने चेयर पे रिलैक्स नहीं रहूंगी, तो मैं अंदर कैसे जाऊंगी? तो रिलैक्सेशन हमेशा करने की ज़रूरत नहीं है, पर जब भी आपको लगता है कि आज मैं थोड़ा रिलैक्स करके करूंगी, तो आप जल्दी से मेडिटेटिव स्टेट में जा सकते हैं। इट इज़ अ क्या कहते हैं, इट गिव्स अ सपोर्ट। सो हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन में ये इंस्ट्रक्शंस हम खुद के ऊपर देते हैं और फिर हृदय पर आते हैं। जब हम हृदय पर आते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन है हार्टफुलनेस में, वो है हृदय। हम हृदय के ऊपर ध्यान करते हैं। भारतवर्ष में करीबन 200 से ज़्यादा पद्धतियाँ होंगी ध्यान करने की। कोई त्रिकुटी पे करता है, कोई सहस्त्रदल पे करता है, कोई नोज टिप पे करता है, कोई ब्रेथ पे करता है, कोई फिंगर टिप्स पे करता है, अलग अलग पद्धतियाँ हैं। हार्टफुलनेस में हृदय पर हम ध्यान देते हैं। क्यों हृदय पर? क्योंकि आप सब, हम सब पहचानते नहीं है कि हम किसी को बोलते हैं ओ शी सो सॉफ्ट हार्टेड, ये तो कितना हार्ड हार्टेड है, कितना हार्श है, पत्थर दिल इंसान है कि नहीं? हम हर इंसान को उसके हृदय से कभी कभी आइडेंटिफाई करते हैं। और दूसरी बात, जब ब्रेन डेड हो जाता है ना आदमी, कोमा में चला जाता है, तो तब भी जीवित होता है, लेकिन जब हृदय बंद हो गया तब वहाँ से सोल निकल गई।
दैट इज द एंड। तीसरी बात, हृदय की जो पंपिंग जो है, ब्लड उसी से ही पूरे पूरे शरीर में जाता है। तो जब हृदय में हम ध्यान करते हैं, जब वहाँ पे प्यूरिटी के वाइब्रेशंस आते हैं, वो मेरे पूरे शरीर में फैलते हैं और हर एक सेल को वो ट्रांसफॉर्म करता है। धीरे धीरे वो सेल पूरे अंदरूनी और बाहरी एवरी वे में वो ट्रांसफॉर्म करेगा, राइट। द अदर मोस्ट यूनिक पार्ट ऑफ हार्टफुलनेस मेडिटेशन इज, जब भी हम ध्यान करने बैठेंगे हमें प्राणाहुति मिलती है। इट इज कॉल्ड एज ट्रांसमिशन। वॉट इज ट्रांसमिशन? इट इज द डिवाइन एनर्जी। वो भी एक एनर्जी है जो हमें दिखाई नहीं देगी, महसूस होगी, और महसूस भी नहीं हुई तो उसकी इफेक्ट जरूर पता चलेगी। वो आज अभी यहीं पे आपको, जब मैं मेडिटेशन कराऊंगी आज, आप अभी ही उसको एक्सपीरियंस कर सकेंगे। ये ऐसा नहीं है कि मैंने एक महीने तक काम किया और मुझे सैलरी एक महीने के बाद मिलेगी। ये तभी के तभी आपको वो सैलरी मिल जाएगी, तुरंत ही, जैसे ही आप मेडिटेशन में बैठे तुरंत उसका अनुभव। वो लाइट की स्पीड से भी सबसे फास्ट है। जैसे थॉट लिया मेडिटेशन में बैठे, ट्रांसमिशन इज ऑन। इट इज लाइक द इलेक्ट्रिसिटी। हम देखते नहीं है ना इलेक्ट्रिसिटी, पर उसकी इफेक्ट को महसूस करते हैं। लाइट चलती है, एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, लैपटॉप चल रहा है, राइट। वैसा ही ट्रांसमिशन है। ट्रांसमिशन का एक और अनुभव या एक और दृष्टांत मैं दे सकती हूँ कि अब मई के महीने में, अप्रैल के महीने में हमारे जाड़ कैसे हो जाते हैं, इतनी गर्मी में पूरे सूख जाते हैं, जैसे कि एकदम मुरझा जाते हैं। और जैसे बारिश का पहला बूंद पड़ी और कैसे वो खिल जाते हैं, वैसे ही ट्रांसमिशन हमारे को खिला देती है एक पूरी तरीके से, अंदर से, इन एवरी वे। योर एवरी सेल इज वाइब्रेटिंग विद दैट, विद दैट प्योर एनर्जी। सो दैट इज द मोस्ट यूनिक पार्ट ऑफ अवर हार्टफुलनेस, कि हर ध्यान में जहाँ पे भी आप करें आपको वो प्राणाहुति मिलेगी। दूसरी बात कि हार्टफुलनेस मेडिटेशन करने के लिए आप अपना एक पोस्चर निश्चित करें। पोस्चर ऐसा हो कि जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो पाए। आप चाहे कुर्सी पे बैठें, आप चाहे पलती मार के बैठें, आप चाहे फ्लोर पे बैठें, सोफा पे बैठें, बेड पे बैठें, कहीं पे भी बैठे, पर पोस्चर ऐसा हो कि जहाँ पे आप कंफर्टेबल रहें। और जब ध्यान करने बैठते हैं तब आपको लगता है कि मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल, मैं थोड़ा मूव कर लूँ। आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे बैठे तो ऐसे ही बैठना होगा। नहीं, आपको लगता है मैं थोड़ा सा मेरा पोस्चर चेंज करूँ, तो वो कर सकते हैं, राइट, ड्यूरिंग द मेडिटेशन। सो वी टॉक्ड अबाउट द पोस्चर। द बेस्ट टाइम इज टू डू इन द मॉर्निंग बिफोर डॉन, सूर्योदय के पहले, पर चलेगा। इन द स्टार्टिंग व्हेनेवर यू आर फ्री, मेन इम्पॉर्टेंट इज, आपको बाकी की कोई वो नहीं होना चाहिए टेंशन कि अभी मुझे ये करना है वो करना। स्टार्टिंग में आप तब करें जब आपके पास टाइम हो, 20 मिनट के लिए आप शुरुआत करें। फिर हुआ अपनी पोस्चर की बात, हमने टाइम की बात करी, देन वी टॉक्ड अबाउट वेन एवर वी सिट वी रिसीव द ट्रांसमिशन। नाउ आई ऑल्सो स्पोक अबाउट रिलैक्सेशन। जब हम ध्यान करने बैठेंगे, राइट, तब हर एक का क्वेश्चन होता है कि मैं नहीं बैठ पाती हूँ, मेरे को तो आँख बंद ही नहीं होती है, मैं तो 5 मिनट से ज़्यादा बैठ ही नहीं सकती, इन थॉट्स का क्या करें। तो देखें, थॉट्स तो चाहे मैं अभी, मुझे कितना 13 साल हो गए हैं ध्यान करते हुए, चाहे मैं 40 साल की, मतलब 40 ईयर्स क्यों ना हो जाए मुझे ध्यान करते हुए, ध्यान करते वक्त मुझे थॉट्स आएंगे। ध्यान का ये मतलब नहीं है कि थॉट्स बंद हो जाना, ये है कि मैं उन थॉट्स को कैसे रेगुलेट करूं, मन का नियमन। चाहे थॉट्स आएंगे बट मैं उस ईजिली अपने थॉट्स को इग्नोर करके हृदय पर आ सकती हूँ, राइट। और ध्यान हमने बचपन से कर ही रहे हैं इन एवरी वे।
अब जैसे देखिए कि मेरा ध्यान है, आई एम माई अटेंशन इज ऑन यू, आई एम माई अटेंशन इज गिविंग द क्लास, राइट। बचपन में हमको माँ बोलती है ना कि ध्यान से पढ़ाई करना, ध्यान से क्रॉस करना, तो हमने बचपन से छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान किया ही है। ये कोई एक बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत हाई फाई चीज़ है, ऐसे है ही नहीं। हम ये करते ही आए हैं, अभी भी करते हैं। एक वॉट इज ध्यान, वॉट इज मेडिटेशन? इट इज अ फोकस्ड अवेयरनेस ऑन वन थिंग एट वन टाइम। आई एम जस्ट गिविंग अ फोकस ऑन वन थॉट, दैट इज इट। और ये हम कई बार करते हैं, जब हम खाना पकाते हैं मेरा पूरा ध्यान उधर रहता है, जब मैं खाना खाती हूँ, मूवी देख रही हूँ, बहुत अच्छी पिक्चर चल रही है, मेरा ध्यान उधर रहता है। तो हम कर ही रहे हैं ना, सो इट्स नथिंग बिग डील, राइट। सो पीपल हमको कई बार पूछते हैं थॉट्स का क्या करें, तो थॉट्स को ऐसा करें कि उसको जस्ट इग्नोर करना है। वी हैव टू जस्ट इग्नोर द थॉट्स, कि जैसे कि वो अनइनवाइटेड गेस्ट हैं, अगर हमने उसको अटेंशन दिया तो वो और भी बढ़ते जाते हैं, तो उसको अटेंशन ही नहीं देना है। हमको अपने आप को सिर्फ रिमाइंड करना है, मैं तो ध्यान कर रही हूँ, और फिर से अपना अटेंशन हृदय पर ले आना है। सो जस्ट वी हैव टू कम बैक टू द हार्ट, डू नॉट फाइट विद द थॉट्स। दूसरी बात, किसी भी चीज़ के लिए जजमेंट ना करें, चाहे जो भी मेडिटेशन में हो रहा है, हम एक ऑब्जर्वर, एक साक्षी भाव में रहेंगे, एक विटनेस मोड में रहेंगे कि ये आ रहा है और जा रहा है, नथिंग नथिंग टू इट। एक चेन ऑफ थॉट्स, उसको अटेंशन भी नहीं देंगे, उसको सोचेंगे कि गया, उसके ऊपर जजमेंट भी ना करें कि ओ माय गॉड ऐसा गंदा थॉट कैसे आया, मैं तो ध्यान करने बैठी हूँ, मुझे इतना गंदा थॉट कैसे आया। बट लेट इट बी, उसके ऊपर आप अपना क्या कहते हैं वो लॉजिक माइंड, वो एनालिटिक माइंड मत ले आए, वो आया है जाने के लिए। सो जैसे एक भरा हुआ ग्लास रहता है या एक भरी हुई बॉटल होती है, उसको उसी उसी मुंह में से पानी निकलेगा ना, और उसी मुंह में से हम पानी डालते हैं, तो वैसे ही अंदर कहीं ना कहीं ये थॉट कभी ना कभी, पता नहीं कब गया होगा, ये निकलने के लिए आया है, तो निकल जाने दे। Just remain in a witness mode. Okay, so don't make any judgments when you're sitting for meditation. Just let it be, and again come back to the heart. All right. So now we learnt about how to deal with the thoughts also. So just let it be. Meditation में हम पूरे passive होते हैं, हम सिर्फ अपना attention connected रखते हैं हृदय पे, और बस वही एक चीज करनी है और कुछ नहीं करना है। इट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट प्रैक्टिस फॉर द मॉडर्न टाइम। कोई भी तरीके का एक क्या कहेंगे, मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी, मैं शायद तो बोल भी दूँ, आई हैव सीन पीपल डूइंग विपासना, और क्योंकि मेरा देवर भी करता है विपासना, हम दोनों एक उस दिन डिस्कस कर रहे थे, तो वो बोल रहा था कि बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है विपासना करना, आपके आपके इसमें इट्स सिंपल बिकॉज ही इज एक्सपीरियंस्ड बोथ। सो ही फील्स दैट द हार्टफुलनेस इज वेरी सिंपल, एंड इट एक्चुअली इज अ वेरी सिंपल प्रैक्टिस। यस, आई अग्री लता मैम। You agree? Oh. Yeah, yeah. Because I have also seen both. Yeah. And I agree. Vipassana is for those who are very, very rational. Yeah. But those who really have very less time and want a very simplified method, I think heartfulness really works for them. Yes, thank you so yeah. much. Thank you so much. So, वही उस दिन वो आए थे, अगले हफ्ते आए थे यहाँ पे, हम बहुत डिस्कस कर रहे थे, तो वो क्या है, समझ नहीं पा रहे थे कि मैं अभी कौन से फेस में से गुजर रहा हूँ। तो हार्टफुलनेस में क्या होता है कि हमारे पास एक गाइड है, एक टीचर है, जो हमको गाइड करते रहते हैं कि भाई अभी ऐसा, वो अंदरूनी ही आवाज़ में, जैसे मैंने कहा कि हमारा हृदय ही हमारे को वो क्या कहते हैं GPS हो जाता है, वो ही हमें पाथ दिखाता है कि अब ये करना है, अब वो करना है, अब यहाँ जाना है। इट इज़ 100% अवेयरनेस, खुद में अवेयरनेस। मेडिटेशन करते 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 हमारे में खुद में अवेयरनेस बढ़ती जाती है। वी आर नॉट सीइंग अदर्स,
आई स्टार्ट लुकिंग एट माई सेल्फ, आई स्टार्ट लुकिंग वेयर आई हैव टू इम्प्रूव एंड नॉट क्रिटिसाइज एंड नॉट जज अदर्स. ये पूरा पूरा साइंस है, साइंटिफिक है. और इतने सारे, जैसे मैंने कहा, आई हैव कम थ्रू अ लॉट ऑफ मेथड्स व्हाट आई डिड, बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो मेरे में नेगेटिविटी है, ये जो मेरे हैबिट्स हैं, ये कब चेंज होंगे. तो जब मैं हार्टफुलनेस में आई, जैसे मैंने कहा, अनगिनत छोटे 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 चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशंस आते गए और आते जाएंगे, क्योंकि ये सफ़र है, ये एक जर्नी है, एक इन्फिनिट जर्नी है. हम ऐसे नहीं कह सकते कि नाउ इट इज़ डन, चाहे मैंने वॉट एवर लेवल आई रीच, इट इज़ एन इन्फिनिट जर्नी, द स्पिरिचुअल जर्नी इज इन्फिनिट. थैंक यू, थैंक यू बा. आई एम एट माई अनदर फ्रेंड्स प्लेस एट वलसाड. आई एम एट वलसाड, आई हैड अ सेशन इन द मेडिकल कॉलेज एंड आई हैव जस्ट केम टू दिस होम ऑफ अवर मेम्बर एंड अवर बा इज सो लविंग. थैंक्स सो मच. सो इन बिटवीन मैं हमारे पार्टिसिपेंट्स को बता दूँ कि ऐसा मत मानिएगा कि कोई एक टेक्निक बहुत अच्छी होती है और दूसरी बुरी. सारी टेक्निक्स का आशय एक ही होता है कि आप अपने आप तक पहुँचे. अब आपको सिलेक्ट करना है कौन सा टेक्निक आपको सूट करता है और आप कौन से टेक्निक के द्वारा अपने अंदर तक वो अंदरूनी शांति को पाना चाहते हैं. तो हमारा आशय, हमारे एनजीओ का आशय यही रहता है कि हम आपके समक्ष अलग अलग टेक्निक्स और ध्यान की विधियां लेके आए और आप उसमें से चयन करें कि आपको जो कन्वीनियंट है आप उसके हिसाब से अपना खुद का प्रोग्रेस शुरू करें. तो ऐसा कुछ मत घर लेके जाइएगा कि ये चीज़ बताई तो ये बहुत बुरा और ये बहुत अच्छा, ऐसा कुछ है ही नहीं. हर एक टेक्निक का एक ही आशय है कि आप अपने अंदर जाएं, अपने आप को खोजें और अपने आप को ही अपने आप से पाएं. तो ये एक अपने माइंड में लेके चलिएगा, कोई भी गलत फ्रेमी में मत रहिएगा, सब कुछ अच्छा ही है. वो 200 टेक्निक्स जो मैडम बोल रही हैं, सारी टेक्निक्स अच्छी हैं, पर शायद कोई किसी को सूट करता है, कोई किसी को सूट करता है. वेरी परफेक्टली सेड. इट इज, ये क्या है ना, एक एक क्या कहेंगे, अब मुझे इसके लिए एनालॉजी नहीं मिल रही है. हमने कपड़ों की एनालॉजी ले लेते हैं कि ये कपड़ा मुझे सूट करता है और ये मुझे फिट कर रहा है, तो मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे कंफर्टेबल लग रहा है, तो मैंने वो कपड़े सिलेक्ट किए. किसी को लूज चाहिए, किसी को फिटिंग में चाहिए, किसी को फैशनेबल चाहिए. इज इट अगर तो समझा है कि मैं नहीं कपड़ा तो हेलो सॉरी फॉर दैट. हाँ नो प्रॉब्लम. हाँ सो इट इज जस्ट लाइक दैट. तो पर ये आपका हार्ट ही आपको गाइड करेगा कि ये मेरे लिए सही है, और फिर आप उसको एक्सपीरियंस करें और वो एक्सपीरियंस करके आप में कितना बदलाव आता है, आप में खुद में हाउ डू यू कनेक्ट विथ योर ओन सेल्फ, दैट यू ओनली हैव टू जज. ईच एंड एवरी वन हैज़ इट्स ओन जर्नी, उसको खुद ही पार करनी है. और नेहल मैडम इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि आप सबको अलग अलग सिस्टम्स के बारे में वो इंफॉर्मेशन और शेयरिंग करते जाएंगे. फिर हम आपको सबको ये डिसाइड करना है खुद ही को कि ये मेरे को सूट हो रहा है, ये मेरी जीवन शैली में बैठ रहा है, तो वो कर. पर जो भी आप करें उसको वक्त दें, उसको वक्त दें, 3 महीने का, 6 महीने का, खुद को वक्त दें. ऐसे हड़बड़ी में मत रहना कि ये अभी किया तो इसको नहीं, वो भी. आप खुद को ज़रूर उस सिस्टम में ढालें और फिर उसमें आप करें कि मेरे लिए क्या सही है. सबका जो है गोल तो वही है, वहीं पहुंचना है, लेकिन अलग अलग, कोई एरोप्लेन में जा रहा है, कोई ट्रेन में जा रहा है, कोई बस में जा रहा है, पर सभी उधर तरह उसी तरफ जा रहे हैं. अब डिसाइड करना है कि मुझे कौन से सिस्टम से जाना है. ठीक है, तो अब हम एक्सपीरियंस करने में जाते हैं. लेट अस एक्सपीरियंस हार्टफुलनेस. ऑलराइट,
आज हम ध्यान शुरू करेंगे। ध्यान करने से पहले मैं आपको रिलैक्सेशन के इंस्ट्रक्शंस दूंगी। आप सभी अपना नाउ व्हाट आई विल डू इज, आप सभी अपना वीडियोस ऑन रखिएगा। प्लीज पुट ऑन योर वीडियोस। आप सभी अपने वीडियोस को ऑन कर दीजिए। दूसरा, आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। आपके मोबाइल फोन्स को आप साइलेंट कर दें, आपके मोबाइल फोन्स को आप साइलेंट कर दें। एक कंफर्टेबल पोजीशन में चले जाएं। आपको चाहे बेडरूम में जाना है, चाहे हॉल में हॉल पे जाना है, चेयर पे बैठना है या ज़मीन पे बैठना है, कहीं पे भी आप अपनी कंफर्टेबल पोस्चर ले लें और लेट अस एक्सपीरियंस दिस नाउ। So Lata madam, I think we can even stop this slide sharing. ये जो है, वो बंद कर दूँ? हाँ, वो उसकी जरूरत है क्या? अभी आप बोलेंगे ना? हाँ, मैं तो बोलूंगी। हाँ, तो फिर तो बंद कर देते हैं। ठीक है, बंद कर दिया। वो बंद कर दिया। और मुझे क्या बोलना था? हाँ, देखो, अब यहाँ से मैं चाहे जितना बोलूँ, ये रसगुल्ला है, मस्त वाइट है, बहुत सॉफ्ट है, इसकी स्वीटनेस कितनी मस्त है। यहाँ बैठे बैठे यदि मैं कहूँगी, आप लोगों को तो उसका स्वाद तो मिलना नहीं है ना, मिला नहीं। मैं तो यहाँ पे बैठ के बोलती हूँ, राइट? लेकिन आपको जब मैं आप खाओगे रसगुल्ला, तब आपको एक्सपीरियंस होगा, राइट? तो ये अभी एक्सपीरियंस ही हम करने जा रहे हैं, ट्रांसमिशन। So, I will. How long will it be? It will be around 10 to 15 minutes. Between 10 to 15 minutes, we will sit today to meditate, and I will then share in the group. Actually, you have to leave at 8 p.m. And abhi kitna baja? Acha 10 minute hai. So, aap decide. नो प्रॉब्लम राधिका जी, यू कैन गो लेटर ऑन। आप सुन लीजिए और फिर बीच में से लीव कर देना, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके ओके राधिका जी, मैं वो इस पे डाल भी दूंगी, आपको बाद में सुन लेना, रिलैक्सेशन। ओके। सो मैं सबको, आप लोग अपने अपने कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं और आराम की स्थिति में रहें। अपनी आंखें धीमे से बंद कर दें। टेक अ ब्रीथ ब्रेथ, डीप ब्रेथ, डीप ब्रेथ लीजिए। धीरे से छोड़ें। अपना अटेंशन अपने पैरों की उंगलियों पे ले आएं। अपने पैरों की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाएं और आराम की स्थिति में आने दें। महसूस करें धरती से दिव्य ऊर्जा आपके पैरों की उंगलियों से लेके आपके शरीर के ऊपरी भाग पे जा रही है। ये दिव्य ऊर्जा आपके एंकल्स, आपके पैर, आपके घुटने, आपके जांघों को पूरी तरह से रिलैक्स कर रही है। महसूस करें ये दिव्य ऊर्जा आपके हिप्स के मसल्स को,
पूरी तरह से आराम का अनुभव दे रही है। ये दिव्य ऊर्जा आपके पेट की मांसपेशियां, आपकी छाती की मांसपेशियों को पूरी तरह से रिलैक्स कर रही है। अब अपना ध्यान पीठ की ओर ले आएं। ये दिव्य ऊर्जा आपके पीठ के निचले भाग से लेके ऊपर तक आपकी पूरी पीठ को पूरी तरह से आराम का अनुभव दे रही है। आपके शोल्डर्स से, कंधों से सारा टेंशन पिघलते जा रहा है। आपके कंधे के मांसपेशियां, आपके गर्दन के मांसपेशियां बहुत ही आराम का अनुभव कर रही हैं। आप अपना ध्यान हाथों के ऊपरी भाग पर ले आएं। ये दिव्य ऊर्जा आपके हाथों के ऊपरी भाग से लेके आपके एल्बोज, आपकी उंगलियों तक पहुंच गई है। अब आपके दोनों हाथ पूरी तरह से रिलैक्स्ड है। अब अपना ध्यान आपके चेहरे पे ले आए। ये दिव्य ऊर्जा आपके होंठ, नाक, कान, आपके पूरी चेहरे को पूरी तरह से रिलैक्स कर रही है। ये दिव्य ऊर्जा अब माथे के शिखर तक पहुंच गई है। आपका पूरा शरीर पैरों की उंगलियों से लेके माथे के शिखर तक पूरी तरह से रिलैक्स्ड है। अब अपना ध्यान हृदय पर ले आएं। हृदय पर एक विचार दें, खुद को एक विचार दें। मेरे हृदय में
ईश्वरीय प्रकाश मौजूद है और वह मुझे भीतर की ओर खींच रहा है। अपना ध्यान हृदय पर टिकाए रहें, उसमें डूबे रहें, जब तक मैं आपको आंख खोलने के लिए न कहूं। अपने हृदय में डूबे रहें।
आपको नोट करें कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है, उस फीलिंग को रिकॉग्नाइज करें, कैसा फील कर रही हूँ, उस फीलिंग को और थोड़ी देर पकड़े रहें। जब आप कंफर्टेबल हों तब धीरे से अपनी आंखें खोलें। मुझे एक तो भूमि आज का पूरा अटेंडेंस जो इन लोगों ने आज अटेंड किया ना, उन सबके नाम खोले देंगे। ओके मैम। और अभी सभी ने जो ये हार्टफुलनेस एक्सपीरियंस किया, क्या कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है, आपको कैसा महसूस हुआ, प्लीज ओपनली शेयर करें। ये एक वन वे ट्रैफिक नहीं रखें, तभी हम समझ पाएंगे एक दूसरे को क्या हुआ कैसा लगा। कोई प्लीज शेयर कर पाएगा आपको कैसा लगा। सो कोई भी बोल सकता है, और मैडम गुजराती भी समझती हैं तो गुजराती में भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। हाँ जी प्लीज, कोई भी हिंदी इंग्लिश गुजराती, प्लीज बी ओपन, वी आर अ फैमिली, सो प्लीज बी ओपन। निखिल भाई तमारू, मैं तैयार भी, आपको भी मैंने पहले सुना था आपका एक्सपीरियंस, हाउ वाज द एक्सपीरियंस टुडे निखिल भाई? Are you there? Nikhil, are you there? Ma'am wants to know your experience. Nikhil is joining us all the way from Hyderabad. Oh, wonderful. Achha, bahut badhiya. Niyati Ben, kai kaiso? Mujhe lag raha hai kaafi log abhi bhi trance mein hai. So they are not able to say. I think Krishna is experiencing meditation first time. Haan, Niyati ma'am, kai kesho? Tamaro avaj nathi aavto, mute cho. Unmute karjo. Hello. Haan, have sambhadai chhe. बॉडी रिलैक्स हुआ और इसके बाद पे माइंड भी बहुत अच्छा हुआ और रिलैक्स लगता है, बिल्कुल रिलैक्स, बस सो जाने का मन करता है। वो डीप स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन होता है जब हमें ऐसा लगता है कि इतना नींद जैसा आ गया, दैट मींस वी वर एट अ डीप लेवल ऑफ रिलैक्सेशन। अभी मैं आपको बोलूं सो जाओ, क्या सो पाओगे? लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि नियति बहन अरे सुई जाओ, बेस्ता बेस्ता सुई जाओ, तब मैं सुई शक्शो ऊंगा भी जाए उस लागे जाए। बस सरस सरस बीजा कोई मैं शेयर करूं छे? कृष्णा बहन तमें कहता था ना, नेहल बहन, यू वर सेइंग कृष्णा बहन इज एक्सपीरियंसिंग, यू आर म्यूटेड नेहल सिस्टर, नेहल बहन यू आर म्यूटेड। Krishna or Aditi, if you want to say, because I'm sure this is a new experience to both of you. Yeah, I'm first time. Kyu lagyu tane? Jab tak main instruction de rahi thi tab tak follow ho raha tha, uske ek aad minute tak koi vichar nahi aaya, lekin iske baad एक के बाद एक के बाद मतलब पूरा विचार ही आने लगा, कुछ भी कहां से भी आता है। और कंटिन्यू, इवन दैट इज गुड,
एज आई टोल्ड यू, वो पानी की बॉटल याद रखो और जजमेंट करना ही नहीं है. चाहे मुझे बहुत सारे थॉट्स आए, पर मुझे क्या करना है, मुझे मेरा अटेंशन हृदय पे रखना है. चाहे उस मेडिटेशन के दौरान मुझे बहुत सारे विचार आए, वो निकलने के लिए आ रहे हैं, निकल जाने दो, लेट गो, जस्ट लेट इट गो. लेकिन कभी कभी उसमें हम थॉट साथ साथ में थॉट करने लगते हैं, ऐसा भी होता है. तो वही मैं कह रही हूँ ना, जब मैं ये करते करते प्रैक्टिस करते करते जाऊंगी, तब मैं इसको आराम से. जब हम कार सीखते हैं तो मेरा पूरा अटेंशन कैसे एकदम टाइट होता है, मुझे अभी ब्रेक मारना है, मुझे अभी एक्सलेट करना है, मुझे अभी क्लच दबाना है, फिर कैसा हो जाता है, फिर तो मैं ब्रेक मारती हूँ, एक्सलेट करती हूँ, बातें कर रही हूँ, खा रही हूँ, ये भी देख रही हूँ, वो भी, सब कुछ करने लगती हूँ साथ ही साथ में. ऐसा ही हो जाएगा. करती जाओगी तब आराम से फिर तुम अपने अपना जो अटेंशन है हृदय पर आराम से आ जाएगा. थॉट्स चले जाएंगे, अपना काम कर रहे हैं वो तो जा रहा है, मैं तो साक्षी भाव में, मैं तो अपने हृदय पर हूँ, वो तो जा रहा है, जाने दो. ओके, हर्षा तुम्हारे की केवू छे? हर्षा योर म्यूट. हर्षा अनम्यूट योरसेल्फ. एक्चुअली मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया तो मुझे इतना समझ नहीं आया मैंने. नो प्रॉब्लम. हाँ, बट यू हैव, आपने पूरा प्रैक्टिस तो पूरा किया. हाँ, मेडिटेशन मैंने किया, वो स्टार्टिंग का जो इंपॉर्टेंट था ना, वही इंपॉर्टेंट है. स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा बोलना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. हाँ, आपको ये जो आपको करवाया वो आपको कैसा लगा वो इंपॉर्टेंट है. नहीं, ऑब्वियसली वो तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो वो इंट्रोडक्शन रहता है जिससे ना वो सुन के एकदम मोटिवेशन आती है एंड एक वो वाइब्रेशंस वैसे क्रिएट होती है उससे. डोंट वरी, दिस सेशन इज रिकॉर्डेड. ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है तो आपको रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल हमारा है उससे ऊपर से मिल जाएगी. वी विल शेयर द लिंक टू यू. श्योर. यस, थैंक यू. ओके, किसी को कुछ पूछना है आज के सेशन के लिए? कोई क्वेश्चन है? हाँ, खुशबू. ओके मैडम, इट सीम्स नो क्वेश्चंस. देन वी मीट टुमारो एट 7 o'clock. या सो प्लीज डू जॉइन टुमारो. कल वापस जुड़िएगा, क्योंकि कल आज जो किया वो नहीं होगा, एक अलग ही टेक्निक होगी. और इसीलिए ये 3 दिन का सेशन है. सारी टेक्निक्स एक दिन में नहीं सिखा सकते और नहीं सीख पाएंगे, इसलिए उसको थोड़ा थोड़ा करके 3 दिन में हम अलग अलग प्रक्रिया सीखेंगे. तो आज day 1 का आपने जो सीखा है उसका मैडम आपको लिंक्स शेयर करेंगी. जो वो स्क्रिप्ट बोल रही थी, जो समझा रही थी, वो शेयर हो जाएगा ग्रुप में. तो उसको लेके आप प्रैक्टिस कीजिए. और कल हमारा क्लिंजिंग का सेशन होगा, तो डोंट मिस. जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं दूसरे लोग, उनको भी बोलिएगा कि वो भी जुड़े. और हम ऐसे ही इसी टाइम से वापस मिलेंगे. सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू लता मैम, इट वॉज रियली वेरी गुड एंड वेरी सिंपलीफाइड वे यू एक्सप्लेन एवरीबॉडी. सो थैंक यू मैम, इट्स गोइंग टू बी रियली बेनिफिशियल. वो शुरुआत का सारा ध्यान रिलेटेड एक्सप्लेनेशन वॉज रियली वंडरफुल. So I'll put the photographs also in the group so that others get motivated and we have more participants tomorrow. Yeah, I would also suggest ki aap jinhone bhi experience kiya, aap apna experience share karo taki logon ko pata chale. Exactly. Aap log share karna. Thank you so much. Thank you everybody. Good night. Thank you. Good night. Bye. Thank you. Bye.